हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने में आज से महज 9 दिन बाकी हैं, यानी कि 21 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। तमाम पार्टी उम्मीदवारों का चुनावी प्रचार जोरों शोरों पर है और अपने अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए जुटे हुए हैं। वहीं गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधीर सिंगला ने भी चुनाव प्रचार में ताल ठोक दी है, जिसके चलते बीजेपी प्रत्याशी सुधीर सिंगला पंजाबी समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां पर सुधीर सिंगला जनता से रूबरू होते हुए शहर की मूलभूत समस्याओं पर एक खाका तैयार करके जनता के समक्ष रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में उनके पिताजी हमेशा सक्रिय रहे हैं, वो मंत्री तक बने, लेकिन उनमें कोई भी अहंकार नजर नहीं आया। शहर से उनका लगाव भी कभी कम नहीं हुआ। मैं भी उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा हूं। जनता ने राजनीति के जरिए मुझे सेवा करने का मौका दिया है, तो मैं इसे खूब निभाऊंगा भी। साथ ही शहर के विकास को लेकर अपना विजन पेश करते हुए सुधीर सिंगला ने कहा कि डिजिटल तकनीक के दौर में अब नागरिकों को अपने अपने काम करवाने के लिए नेताओं के घरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, इसलिए वो डिजिटल तकनीक से जनता से सीधे जुड़े रहेंगे। बहुत ताकत मिली है और समर्थन तो उन्होंने एक किस्म से पहले भी दिया हुआ था, लेकिन एक कंफ्यूजन और भ्रम फैला रखा था, जिसके लिए महाराष्ट्र ने उसका निराकरण कर दिया और स्पष्ट शब्दों में निराकरण कर दिया। अब लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव बड़े नजदीक है? एक तरफ है चुनाव, कहीं कुछ नहीं है। देखिए, मैंने कहा है कि चाहे निर्दलीय हो चाहे दूसरी अपोजिशन पार्टी के हों, वो 20-30-40 हद से 50 बूथ तक चल रहे हैं। उन 50 बूथ पे भी 20-30% तक उनका ज़्यादा से ज़्यादा वोट शेयरिंग है। कमल का फूल गुड़गांव विधानसभा में हर बूथ पर 80-85% शेयरिंग पे है। देखिए, मैं प्राथमिकता तो पहले कई बार बता चुका हूँ, एक सिविल हॉस्पिटल, नागरिक हॉस्पिटल बनाएंगे 500 बेड का, जो बस स्टैंड है उसको सेग्रीगेट करेंगे, सिटी बस स्टैंड इसको रखेंगे जो बना हुआ मौजूदा को, और इंटरसिटी बस स्टैंड को शहर से बाहर ले जाएंगे, उससे बसों का आना जाना शहर में कम हो जाएगा, यातायात थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा और जाम में फ़र्क पड़ जाएगा, पोल्यूशन में फ़र्क पड़ जाएगा। स्वच्छ गुड़गांव का नारे पर काम करेंगे, स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा। और इको ग्रीन के हिसाब से जिन्होंने पौधे लगाए हैं उनको कोशिश करूंगा, उनको आग्रह करूंगा कि उन पौधों को पालें और आगे से आगे पौधे लगाएं। बीजेपी प्रत्याशी सुधीर सिंगला अपने विजन लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से वोट की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन यह तो 24 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगा कि जनता ने उनके विजन पर कितनी मोहर लगाई है। फिलहाल तो सुधीर सिंगला काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।